फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको इंडिया की न्यूज़ कैपिटल घुमाने लाई हूँ। भले ही इंडिया की राजनीतिक राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई हो, लेकिन न्यूज़ कैपिटल वो जगह है जहाँ इस वक्त मैं खड़ी हूँ। चाहे वो अंग्रेजी के न्यूज़ चैनल हो या फिर हिंदी के, ज़्यादातर न्यूज़ चैनल के हेडक्वार्टर इधर ही है, और वो भी 500 मीटर के रेडियस पर। तो चलिए मेरे साथ इंडिया की न्यूज़ कैपिटल घूमने। सबसे डेवलप्ड सिटी नोएडा में खड़ी हूँ और ये जगह है फिल्म सिटी। वैसे तो ये नोएडा का सेक्टर 16 ए है, लेकिन ये फिल्म सिटी के नाम से मशहूर है। जब इसे बसाया गया तब मकसद तो ये था कि यहाँ पर फिल्मों और सीरियल्स की शूटिंग होगी, वो तो नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ पे न्यूज की शूटिंग, मेरा मतलब न्यूज चैनल खुल गए। चूंकि यहाँ फिल्म सिटी बसाने का प्लान था, इसलिए यहाँ जो प्लॉट की कटिंग हुई थी वो बड़े बड़े स्टूडियो बनाने के हिसाब से हुई थी, क्योंकि शूटिंग के लिए बड़े बड़े स्टूडियो चाहिए। फिल्म और सीरियल्स की शूटिंग तो यहाँ हो नहीं पाई, लेकिन ये बड़ी बड़ी इमारतें, ये बड़े बड़े स्टूडियो न्यूज चैनल खोलने के लिए बिल्कुल मुफीद थे, इसलिए यहाँ न्यूज चैनल खुल गए। सबसे पहले आपको जी न्यूज का ऑफिस दिखाते हैं, क्योंकि ये इंडिया का सबसे पुराना प्राइवेट न्यूज चैनल है। देख लीजिए, यही है जी न्यूज की बिल्डिंग। जी के हिंदी न्यूज चैनल के अलावा दूसरे और कई रीजनल चैनल के टेलीकास्ट यहीं से होते हैं। जी न्यूज का अंग्रेजी चैनल व्यून का हेडक्वार्टर भी यही है। हम जितने भी न्यूज चैनल के हेडक्वार्टर में गए, सबसे ज्यादा सिक्योरिटी जी न्यूज के ऑफिस के बाहर ही दिखी। इसकी एक वजह ये हो सकती है कि जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली है। कल जब हम वीडियो शूट कर रहे थे, उसी वक्त सुधीर चौधरी ऑफिस आए, आगे पीछे पुलिस की गाड़ियाँ। अभी मैं न्यूज 24 के ऑफिस के बाहर खड़ी हूँ। ये जी न्यूज के ऑफिस के ठीक बगल में है। इनफैक्ट जी न्यूज और न्यूज 24 के बीच महज एक दीवार का फासला है। और ये टीवी 9 भारतवर्ष का न्यूज सेंटर है। इस चैनल ने कम समय में ही जिस तरह खुद को टीआरपी की रेस में एस्टैब्लिश किया, वो काफी सुर्खियों में रहा। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं इंडिया के नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल आज तक के ऑफिस के बाहर। मल्टीप्लेक्स की तर्ज पर इस ऑफिस को मीडियाप्लेक्स नाम दिया गया, इंडिया टुडे मीडियाप्लेक्स। वैसे भी आजकल सिनेमा और न्यूज चैनल के बीच ज्यादा डिफरेंस रह नहीं गया। आजकल तो न्यूज चैनल में भी कॉमेडी, ट्रेजेडी, ड्रामा, एक्शन सब देखने को मिलता है। तो इंडिया टुडे ग्रुप के सारे न्यूज चैनल जैसे आज तक, इंडिया टुडे, तेज और इस ग्रुप के सारे यूट्यूब चैनल यहीं से ब्रॉडकास्ट होते हैं। क्योंकि इंडिया टुडे ग्रुप बहुत बड़ा है, उसी हिसाब से इसका ऑफिस भी बहुत बड़ा और बहुत शानदार है। और अब मैं खड़ी हूँ उस न्यूज चैनल के ऑफिस के बाहर जिसने इन दिनों तहलका मचा रखा है, या यूं कहें कि उसके मालिक ने सब कुछ हिला रखा है। मैं बात कर रही हूँ रिपब्लिक न्यूज नेटवर्क की। अगर आप अभी तक नहीं समझ पाए तो आपको बता दूं कि मैं बात कर रही हूँ अर्णब गोस्वामी के रिपब्लिक न्यूज चैनल की। आज तक और रिपब्लिक भारत में किस तरह के पंगे चल रहे हैं, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। दोनों एक दूसरे का नाम लेकर अपने विरोधी चैनल पर निशाना साधते हैं। दोनों चैनलों के लोगों के दिल में भले ही दूरियां हों, लेकिन इन दोनों चैनलों के ऑफिस में ज्यादा दूरी नहीं है। ऑफिस आते जाते वक्त दोनों चैनलों का स्टाफ आमने सामने आते होंगे। बस यही दुआ है कि चैनल की लड़ाई सड़कों पर ना आए। वैसे लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए न्यूज कैपिटल यानी फिल्म सिटी में एक पुलिस चौकी भी खुल गई है, जो टीवी 9 भारतवर्ष के ऑफिस के सामने है। रिपब्लिक न्यूज नेटवर्क के बगल में ही इसके एक कट्टर दुश्मन न्यूज चैनल का ऑफिस है। जी हाँ, अभी मैं खड़ी हूँ टाइम्स नाउ नेटवर्क के ऑफिस के बाहर। टाइम्स नाउ चैनल यहीं से टेलीकास्ट होता है। अर्णब गोस्वामी पहले टाइम्स नाउ में ही काम करते थे, लेकिन यहाँ से अलग होकर उन्होंने अपना अलग चैनल बनाया। तब से टाइम्स नेटवर्क और रिपब्लिक नेटवर्क के बीच जबरदस्त जंग चलती है। दोनों में काफी दूरी पैदा हो गई, लेकिन ऑफिस बिल्कुल अगल बगल में है। देखिए, एक ही फ्रेम में दोनों न्यूज चैनलों के ऑफिस दिख रहे हैं। अगर मैं कैमरा पैन करूं तो दिख जाएगा कि दोनों न्यूज चैनल्स के ऑफिस कितने करीब हैं। ये एक्सप्रेस टावर बिल्डिंग है। सीएनएन न्यूज 18 का ऑफिस इसी बिल्डिंग में है। वही सीएनएन न्यूज 18 जिसे राजदीप सरदेसाई ने खोला था, लेकिन अब मुकेश अंबानी इसके मालिक है। सीएनएन न्यूज 18 के ही हिंदी चैनल न्यूज 18 का ऑफिस भी इधर ही है, लेकिन वो दूसरी बिल्डिंग में है। एक्सप्रेस टावर बिल्डिंग यानी सीएनएन न्यूज 18 के चैनल के ऑफिस के ठीक सामने ही एबीपी न्यूज का ऑफिस है। पहले एबीपी न्यूज का ऑफिस सेक्टर 60 में था, लेकिन शायद उसने भी ये सोचा होगा कि सारे न्यूज चैनल के ऑफिस इधर ही है, तो क्यों ना हम भी इधर ही आ जाए, इसलिए एबीपी न्यूज का ऑफिस भी यहीं आ गया। अब आपको इंडिया टीवी के ऑफिस लेकर चलती हूँ, जो फिल्म सिटी से काफी दूर है।
ऑफिस के पास खड़ी हूँ। टॉप 5 हिंदी न्यूज चैनल्स में से ये एक लौता चैनल है जिसका हेडक्वार्टर फिल्म सिटी में नहीं है। हालांकि पहले इसका हेडक्वार्टर फिल्म सिटी में ही था, लेकिन वहाँ पर किराए पर था और अब यहाँ पे अपना ऑफिस है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडिया टीवी का ऑफिस भी पहले फिल्म सिटी में ही था। और जानते हैं उस ऑफिस के अब क्या हाल हो गए हैं? ये देखिए, ये है वो जगह जहाँ पहले इंडिया टीवी का ऑफिस था। यहाँ पर भी पहले वैसे ही शीशे की चमचमाती बिल्डिंग थी जैसे दूसरे न्यूज चैनल की है, लेकिन किसी ने इसे खरीदकर वो बिल्डिंग गिरा दी। अब शायद यहाँ पर मल्टी स्टोरी ऑफिस बने। इसके अलावा न्यूज नेशन, इंडिया न्यूज, न्यूज एक्स, सुदर्शन टीवी और सहारा न्यूज समेत छोटे बड़े दर्जनों न्यूज चैनल के हेडक्वार्टर भी नोएडा में ही हैं। तो फ्रेंड्स, ये था इंडिया की न्यूज कैपिटल का टूर। फिल्म सिटी ही वो जगह है जहाँ से इंडिया को न्यूज और व्यूज दिए जाते हैं, एजेंडा चलाया जाता है और नैरेटिव सेट किया जाता है। अगर अगली बार कोई आपसे न्यूज चैनल्स के बारे में पूछे तो उसे ये वीडियो दिखा दीजिएगा। और अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।